आस करूंगी कि बड़ा तवज्जो से मेरी गुजारिश करने फरमाए। जनाब चेयरमैन, सूबाई बजट 2024-25 पर चंद गुजारिशात पेश करना चाहते हैं। ज़रात, कौमी बजट GDP का 23% है और 45% इसमें मजदूर जो कि खेत हैं ज़रात से मुंतलिक है वो भी इसके साथ शामिल है। और इस वक्त जो यूक्रेन से 300 अरब रुपए की नाकिस गंदम खरीदी गई और महकमा खुराक ने जो पंजाब के किसान से गंदम ना खरीदी, जिसकी वजह से एक शदीद किस्म का बहरान किसान की जिंदगी में आया। मोदी से जो 76 साल से बजट देते जा रहे हैं, ये उसी की कॉन्टिन्यूटी है कि 2% एलीट को हमने सेफ कार्ड करना है और जो 98% लोग हैं उनको अल्लाह तवक्कल छोड़ देना है। पर बदकिस्मती से अब हमारे पास टाइम बड़ा कम होता जा रहा है। ये जो नंबर्स जो हमने दे दिए हैं फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे, इसका ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक ही बदकिस्मती से कोई नहीं। आपने IMF के जो 24th प्रोग्राम में जाना है, उन्होंने आपको बड़ी क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशन दे दी है। उन्होंने आपको खड़ा हुआ है उसको आबाद करने के लिए कोई सोचे, और जिम्मेदार पर जो बिजली का बोझ है, एक एक ट्यूबवेल का 2-2 लाख 4-4 लाख बिल आ रहा है, वो देने से कासर है। उसकी फसल तो 4000 की बजाय 2000 में बिकी है, उसका कोई परेशान हाल नहीं है कि उसमें इनपुट जो है हर एकड़ में तकरीबन 80000 के बढ़ते हैं। 80000 का ठेका किसान को पड़ जाता है और उसकी गंदम 1 लाख की भी नहीं बिजी नहीं बेच सकी। कर रहा हूँ जनाब स्पीकर, जब हमने किताबें देखी तो 10-15 किलो की भारी एक बस्ता था, हमने उठाया लेके गए, जाके पढ़ा तो बड़ी तकलीफ हुई कि मेरी आखिरी तहसील है पंजाब की, और वहां पे जहां हमने जो देखा बजट में तो हमारे लिए कोई हिस्सा नहीं था। जनाब स्पीकर, आप भी साउथ पंजाब से हैं, जब भी ये हुकूमत आती है, ये हुक्मरान आते हैं तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। जनाब स्पीकर, आज आप चले मेरे शहर में, चल के देखें वहां पे कि जो ईद गुजरी है, ईद से 4-5 दिन पहले हमारे शहर का जो सीवरेज का सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो गया। वहां पे